छड़िया मैं भी फूकन तेन कह दिया था, लाश भी कौन दिया काम ने हाथा तो फूकिया मारा तो कड़िया भी जली पड़ी थी। 30 लाख कीमत और 70,000 रुपए मिल रहे, क्या संभव है, क्या सही है या गलत है, एक बड़ा सवाल बताइए। सवाल तो बड़ा ही है। 15 लाख आओगे, वह 15 लाख की छोट बात कर्ज माफ तो लोअर लेस को नहीं मारा तो वह जो ले रखे नहीं उस पर ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज किसान की रेल बनाए रखी, कह किसान जाना है कह ऊपर वाला भगवान जाना है। बच्चे स्कूल में पढ़ाने हो, किसी का लड़का मतलब शादी के योग्य हो रहा है, किसी की लड़की शादी के योग्य हो रही है, और भी बहुत सारे जरूरतमंद के खर्चे हुए, कैसे काम कर पाओगे वो लोग जो बाढ़ से प्रभावित है या सूखे से प्रभावित है जिसकी फसल हो ही आई खत्म होगी। पहली दफा ऐसा तमाशा देखा है, जो आने वाला है वो भी नु कहे मेरी चलती को नहीं सरकार होते हुए भी, जो जीतने वाला है वो भी नु कहे मेरी चलती को नहीं सरकार, तो चल रहा किसकी है, इसका रुफाली कौन है। 30 लाख के कीमत पर 70,000 दे हुए हैं, डूब के मरने का काम है। किसान तो जमा रंगा के गिर दिया, कम से कम भी 5 लाख तक कम डूबे देना चाहिए थी, 5 लाख तक कम होना चाहिए भाई। 30 लाख वाली चीज की कीमत 70,000 रुपए, क्या संभव है 30 लाख वाली चीज की कीमत 70,000 रुपए में मिलने लग रही है? 30 लाख की कोई चीज रख के उसके बदले में 70,000 रुपए मिलने लग रही है, बड़ा सवाल है। एक देश एक चुनाव कैसे हो सकता है? एक साइड देखें 200 रुपए सिलेंडर की सब्सिडी जो घटाई है, यानी कि 200 रुपए जो डाउन की है कीमत लगातार 9 साल से, जनता उस तक कितनी एक्साइटमेंट है, कितनी खुशी है, कितना गम है, और इसके अलावा 9 साल का जो कार्यकाल है उससे कितने लोग संतुष्ट है। नमस्कार, आपका स्वागत है खास मुद्दे की खास पड़ताल के साथ, मैं सुशील सियाग। फिलहाल सिसाई गांव जो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है वहां से आप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हो। ये एक आज एक हटके न्यूज कवर करांगे, 9 साल का कार्यकाल में किस तरह का विकास हुआ है, विकास कितना दौड़ा है कितना नहीं दौड़ा है। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव के अंदर मौजूद है, यहाँ पर पूछेंगे इस गांव में कितना विकास हुआ है। पहले तो राम राम कर दो हमारे जितने भी साथी देखो ना। राम राम जी सारे देखने वाले ने। जी धन्यवाद। राम राम सबने। राम राम जी सब। जी धन्यवाद। डिस्कस करेंगे 9 साल का कार्यकाल की, उससे पहले 30 लाख कीमत और 70,000 रुपए मिल रहे, क्या संभव है, क्या सही है या गलत है, एक बड़ा सवाल बताइए। सवाल तो बड़ा ही है, हमारी चलती से को नहीं, कितना ये दे दो और कितना ही ले लो, ये 30 लाख के बराबर में नहीं है, 70,000 का देना के कुछ नहीं है, लठ बड़े में गुगा धोखा। यदि कीमत को आँख के दिया जाओ नहीं तो उसके हिसाब से तो कुछ नहीं है, ब्याज लेने लग रहे हैं, उस पर भी गरीब आदमी में किस्त नहीं पाटा है तो उसकी धरती कुड़ करने लग रहे हैं, इससे बड़ा जुलम तो सह को नहीं, जोर चलता कोई यूँ से मारा भाई। आपका समझ में आई ना आई, ये है जमीन का जो KCC कराव है, 1 किले की कीमत लगभग इस गांव की बताऊं तो 30 लाख के आसपास है, 32-33 भी है, 27-28 भी है, तो एक मिनिमम सा जो बीच का जो ये रेट है 30 लाख रुपए के बदले में सरकार देने लग रही है 70,000 रुपए, क्या यही बात है ना? हाँ यही बात है, समझा हमें जमींदार सा लेना पड़ रहा है मजबूरी में, भाई क्या करें फसल नहीं होती, कुकरे न कुकरे काम चला रहे हैं, लेकिन सरकार ने अपनी मोनोपोली बना रखी है, उसका कोई मारा भी इलाज तो कोई नहीं, भुगत भोगी हैं सारे आड़े, और किसी ने पूछ लो गांव में जाके ना सारे गल लिया है बने रही से, और उसकी एवज में 70 देवा जो तो देवा चक्कर काटने रहे, वैसे फलाने वकील का बिक जाए देखड़े वकील का बिक जाए, ओड़ा या फीस लग गई ओड़ा या फीस लग गई, महीना महीना तो चक्कर नहीं कटवावा है, रजिस्ट्री खर्चा भी लग गया है, फिर उसने कह दे इतने दिन के बाद में इसका वो हो गया, फिर उसकी वो कंधे दिखे हैं, साल के बाद फिर बदलवाना पड़ा है, एक किस्त लेट हो जे मान लिया किसी कारण तर वही से लगभग क्या फसल मर गई क्या ओले आ गई, ये भी सूखा बाज रहा है, उसमें ब्याज डबल लगा हुआ है, यार नुकंदे दिखे तेरी तो वह खराब होगी, बिला तनाक गल लोने को नहीं मिले, KCC बनवाने खातर है दोबारा, बोला हमारी बात के कवच है उसकी वह खराब होगी, बिला तेरी तो उसके खातर लेन देन बढ़िया नहीं रहा, इसलिए हमने तो कल ही मैं तो बिचा को नहीं ऊँ ले बस है भाई, सरकार जो चलाओगी उसने चलना पड़ रहा है। कोई भी बिजनेसमैन कोई भी फैक्ट्री वाला लोन ले लेनी, उसके पास कोई इतना बैकग्राउंड नहीं होता, उसने भी कई कई करोड़ का लोन मिल जाए, आप 30 लाख रुपए की चीज टेक की कहाँ तक सही है, 70,000 रुपए मिले, किस तरह की पॉलिसी है? कहीं भी ठीक नहीं है, बता तो दिया बार बार भाई लठ बड़े में गुगा धोखा, हाँ भाई सांप बड़ा बिला
वो कहा था नहीं भाई गुग्गा बड़ा खराब मिला भाई डर दे नहीं सांपा ने गुग्गा धोखा नहीं तो बड़ा सच मुसा से फैक्ट्री वाले के तो लोन भी माफ करते हैं या तो उन्हें कहते ये तो एनपीए में डाल दिया फलाना डाल दिया हमारा तो कुछ भी कुंडल था ये तो जितने भी काम करे हैं चाहे फैक्ट्री वाला लगा लो चाहे और कर लो इन्हें तो बार बार है नहीं नाम बदल के भी लोन दे दे उसका एक दुकानड़ी हो या छोटी फैक्ट्री होनी है उससे ज़्यादा तो किसान का डांगर पशु सारा सौदा होते हुए कुछ नहीं मिल रहा। सूरज बान जी आप के विचार है? हमारे तो यही विचार है ये सही कहे बदराज भाई ये सिस्टम कम से कम भी एक जमींदार को एक किले पे जिसकी उतनी कीमत है ना उतना लोन देना चाहिए सरकार ने जब उसका पूरा पटे और ब्याज कम हो किसान को कम से कम ब्याज लगेगा जब वो टाइम पे भरे भी गा बढ़िया उसका लेन देन होगा। ये इसमें लेन देन भी खराब होने लग रहे हैं ब्याज भी घना ठोकन लग रहे हैं किसान तो मरा जान लग रहा है फसल पे फसल मर गई उस टाइम पे भी किसान ने नहीं बख्शते हैं। कल परसों का अखबार पढ़िया था आपने सुभाष चंद्रा का 5700 करोड़ के आसपास जो कर्ज था पढ़िया होगा आपने अच्छी तरह से उसका माफ कर दिया कुछ थोड़ा मिनिमम भरना है अब बताओ उनका तो माफ कर दिया जमींदार जमींदार के फसल खराब हो जाए कुछ भी माफ नहीं होता सिबिल खराब हो रही मारे तो है सिबिल भी खराब हाँ वो करते हैं सिस्टम बिलाई का तो भाई ये लेन देन बढ़िया नहीं है एक बार नहीं दिया तो उसने आगे लोन भी कौन दे दोबारा बनाओ केसीसी ये कराओ वो कराओ फलाने के साइन करा के लियाओ वो मैनेजर भी सड़ा फिर रिश्वत लेवा है इसमें तो किसान तो बिल्कुल मरिया पड़ा है किसान को मिले के है एक धक्के हैं फिर मजबूरी है किसान की क्या करे काम चलाने के लिए खाद लेना है बीज लेना है समय पर फसल के लिए खर्चा करना पड़ता है मजबूरी है बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सूरजबान ने किसानों की बात छेड़ दी फसल की छेड़ दी एक साइड में तो आधे से ज्यादा सूखा एरिया और एक साइड में तबाही पानी की वहां पर अब बात करे कितना कम हो जाए मतलब फसल तो वहां थी नहीं जान मान का बहुत ज्यादा नुकसान पशुओं का डांगर डोर का घर का बहुत ज्यादा नुकसान होया है। अभी तक मुआवजे की तो दूसरी बात है कभी देंगे या ना देंगे कोई उसके सर्वे करवाओगे ना करवाओं उनके सूदे नहीं ली गई भाई तेरा डांगर पशु कड़े है माँ बाप कड़े है तेरे बच्चे कड़े है उसके पशु मर गए अब घर बार डूब गया उसका अभी तक वो सूदे नहीं ली किसी की जमीन एक किसान की जमीन है ना घर में 5 सदस्य है 3 लड़की है लड़कियों के नाम है वो किस किस को लिया होगा मुआवजे के टाइम पर किसी ने किसी के 1000 रुपये मुआवजा है किसी के 500 रुपये मुआवजा मिला है वो 500 रुपये का तर इतने फार्म के पैसे लग जाए उसके या रिश्तेदार भैया ने लिया बुला के उन लड़कियां ने लिया ठा के वो फिर नुके दे तो तेरा तो खत्म हो गया भाई तेरे जी वैसे देखे घर के अंदर बहुत सारी नीड हो बहुत सारी जरूरत हो बच्चे स्कूल में पढ़ाने हो किसी के लड़का मतलब शादी के योग्य हो रहा है किसी की लड़की शादी के योग्य हो रही है और भी बहुत सारे जरूरतमंद के खर्चे हुए कैसे काम कर पाओगे वो लोग जो बाढ़ से प्रभावित है या सूखे से प्रभावित है जिसकी फसल हो या ही खत्म होगी नहीं फसल तो जमींदार तो राम के भरोसे है फसल हो जाए तो जमींदार का ठीक है और नहीं तो सूखे में तो इब सूखे में मर गई तो उसकी भरपाई फसल की होती है को नहीं वो लोन कैसे पूरा करेगा इसमें सरकार ने पॉलिसी बना रखी है भाई मुआवजा मिल जाए भाई बीमा कराओ सीएससी सेंटर पर करा लो या ऑनलाइन केसीसी वाले करा लो उसमें भी कोई मिलने लग रही लगातार आंदोलन चलने लग रही है मुआवजा तो ये कितने आंदोलन होने लग रहे थे कोथे होया हिसार होया सारी जगह आंदोलन चलने लग रहे हैं आंदोलन में बीत गया सारा समय किसान का तो लेकिन सिरसम के भाव लगा लो आप कपास के भाव लगा लो भाव मिलते नहीं किसान को किसान को इब सरसों का भाव 5500 है लेन लग रहे 4600-4700 तेल का भाव के है तेल का भाव के है तो इस करके जो है ना किसान तो मरदान लग रहा है वो कह दे एमएसपी पे खरीद तो को नहीं होती किसान की किसान तो मर गया हर पास से मर गया लोन पे भी मर गया है टमाटर महंगे हो गए फलाने महंगे हो गए सारी चीज महंगी होगी प्याज कदे प्याज महंगे हो गए ये टमाटर है ना हाँ। एक टाइम था 200 रुपये किलो से 250 रुपये किलो था आज यो वो 7 रुपये किलो और इसकी सोच कदे भी कम नहीं हुई जो हर घर में सब्जी के अंदर यूज होगा आज वो किसान का टमाटर 7 रुपये किलो पिटन लग रहा है अब तो ये किसान किसान फेल कर दिया अगर इसके भाव ठीक रखे नहीं ठीक ढंग से चलावर तो भाव को किसान बाजार में भी लाओ ठीक बेचर टाइम पर सारे यूज करे 200-250 में सारे पीछे हट गए कौन खरीदेगा तो 9 साल का जो बीजेपी का राज है जो मौजूदा सरकार है उस तक कितने संतुष्ट हो क्या विकास पैदल चल पड़ा है या मतलब अभी से स्टार्ट नहीं हुआ जी आपका क्या मानना विकास किस तरह का है 9 साल के कार्यकाल में के विकास सब आई गरीब आदमी मार के गिर दिया अब आपने केसीसी का जिक्र कर 70,000 30
तीस लाख के कीमत पर 70,000 दे हुए हैं। डूब के मरने का काम है। किसान तो जमा रंगा के गेड़ दिया, कम से कम भी 5 लाख तक कम डूब देना चाहिए थी। 5 साल तक 5 लाख तक कम होना नहीं चाहिए। और वो भी जमीन तरक्के दे हुए हैं या कुछ मुफ्त में दे हुए हैं, फ्री में दे हुए हैं। जो लोग करोड़ों रुपया डकार के हैं और विदेश चले जाओ, उनकी कोई गारंटी नहीं। बच गया तो बच गया भाई, फिर देखा है माफ कर दे सारा, काटे काटे हैं। बाहर भी गए तो बिना उसका वीजा लगाओ, देश मानने नहीं मानने, आन देख नहीं आन दे, इतने खाओ प्योर मौज लाओ। आम आदमी गरीब आदमी बुरा तड़फ रहा है, हर कर्मचारी हर किसान। वो जाना है क्या परमात्मा जाना है क्या खुद जाना है? आपके याद को नहीं शायद भूल गए, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था जब बीजेपी की सरकार आ जाएगी, पहली कलम से पहला ही मीटिंग के अंदर ये काम करके रहूंगा मैं, किसाना का कर्ज माफी का काम मेरा काम होगा, मेरे ऊपर छोड़ दिए, मेरी जिम्मेवारी। पहली ये कलम था, पहला ही काम। अभी तक 9 साल 9.5 साल बीत चुके हैं, क्या आपका कर्ज माफ हो चुका है? कहाँ कर्ज माफ होया, मुफ्त में बांट दिए बैंक में, मेरा 0 पॉइंट का रो खुटवा लो, 15 लाख आओगे। वह 15 लाख की छोट बात, कर्ज माफ तो लोअर लेस को नहीं मारा, तो वह जो ले रखे नहीं उस पर ब्याज पर ब्याज ब्याज पर ब्याज किसान की रेल बनाए रखी। क्या किसान जाना है, क्या ऊपर वाला भगवान जाना है? इस सरकार ने तो तोबा तोबा कर दी, के करा इब तो या करेगी जो करेगी या करेगी। आगे आ गया जनता की पुकार है, वो जनता का मन में है, वो तो करके फिर वाय करेगी। मतलब किस तरह की एक बात करें, 9 साल का कार्यकाल अच्छा रहा है का आपके लिए, गलत रहा है? आगे के सोच रहे हो, के प्लानिंग कर रहे हो 2024 नजदीक आगे? 9 साल का कार्यकाल तो भाई पब्लिक जब पब्लिक बताओगी, जो कहे तो पब्लिक जाना है। बस नो रंगा रखी है, कहन का जगर के है, फूटते को नहीं किसने फूटा। क्योंकि इसमें एक बड़ी चीज है, 2 साल के आसपास एक पूरी दुनिया की बात करें तो बड़ी बीमारी आ गई थी कोरोना, उसके कारण भी मतलब बहुत सारा डाउन आ गया था, किसान हो व्यापारी हो कोई भी हो। कड़े थी बीमारी, बीमारी से तो लाखों लोग मरे हैं। अरे मारे शिशाए में भी होया था इस तरह बात, नु कह दे नू हो गया छड़िया में भी फूकन ते नू कह दिया था, लाश भी कौन दे आड़े काम ने हाथा ते फूकया मारा तो कड़िया बिजली पड़ी थी। बेरोजगार करने थे जो छोटे छोटे नौकरी कराया करते, आपको अपने रेडी लगा करते हुए भगा दिए घर में, उनके बड़का नु तो देखो मरे हैं कि जी, इन्हें तो कह दिया बीमारी है, इन्हें दिया के उन्हें पब्लिक का पेट पेट को नहीं भरिया, बेवकूफ बनाया इन्हें। एक चीज इस मोदी ने कही थी वह सही खरिया उतरिया, यू नो कहा था सब ने काम दे दूंगा, वो दे दिया सबका हाथ में कागज से, कोई कह का ले रहा है, कदे तो कह दे है इसने उससे जोड़ दो, कदे कह दे इसने उससे जोड़ दो, ना तो यह जुड़ दे ना हमारा गला छुटता। एक दिन कह दे है सिलेंडर ने नहीं 200 रुपये डाउन कर दिया, चर्च वाली चीज लेके 1100-1200 कर दी, फिर एक कह दे 200 रुपये मैंने दे दिया, वो भी 9 साल में, 9 साल में कराया हर, वो भी इलेक्शन आ गया तो ये प्रोपगंडा बनाया और कुछ भी को नहीं। रात तो मिली है ना 140 करोड़ दो गन, क्या की रात मिली है 200 रुपये पर। एक बात बता दे, नुन्ने तो डंडा दे दिया 1100 ले लिए, 9 साल तो ले लिया 1100 का हिसाब थे, आज एक साल खतर यू भी इलेक्शन आ गया तो दृश्य छोड़ दिया, या रात मिल गई तो आप संतुष्ट को नहीं इस बात में? मैं कह मतलब कोई भी संतुष्ट को नहीं, मैं तो हूँ बैठा था डर, तने बताया दिया पूछ लिया जैसी जमींदार आदमी था, सब ने पूछ के देख, जिसके घर में चूल्हा कौन जलता उसने नो पूछ के देख, सिलेंडर कुकर हो यार तेरा के हो यार, उनके बालक भूखे मन ला रहे, उसने ये रात मान हो गए। एक होते सूरज भांजी महंगाई की मार तो होली, अब वो भूखे ने वो के नाम से पानी पिलाना, तिशाए ने पानी पिलाने वाली बात हो गई, तो भाई सारी साल तो महंगाई में जूझता रहा बेचारा गरीब आदमी, 1100 रुपये 1150 रुपये सिलेंडर लिया, इब 200 रुपये कम कर दिया, इब वोट लेन खातर इब 10-20 रुपये तेल भी घटा देंगे, ये तो सरकार ने अब हमने अब मंदा कर दिया, मंदा कहाँ कर दिया, अब 9 साल तो रगड़े गए। रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात, शिक्षा की बात करें, लोगों को रोजगार रोजगार मिला नहीं, कोई बेचारे बेरोजगार लोग हंडन ला रहे, खूब ठेका प्रथा हो रही है सारी, बोले कौशल खोल देंगे फलाने नु कर देंगे,
क्या है उसमें एक टेम्परेरी बेस पे इससे अच्छा तो कोई किसी का मजदूर लग जाए ना आदमी वो बढ़िया शाम ने दिहाड़ी तो मिल जाए 500 रुपये दिहाड़ी मिले है। इब कौशल वाले तो 8,000 रुपये तनख्वाह देंगे, 8,000 में कैसे गुजारा होगा बेचारे का, कोई भी नहीं गुजारा कर सकता इतनी महंगाई में। महंगाई इतनी होगी कि इब जिस तरह आपने ये पेट्रोल भी इब सस्ते कर देंगे, डीजल भी सस्ता कर देंगे है, और कुछ थोड़ा मोटा और कर देंगे सस्ता का था दिखाने के लिए सरकार ने इतना बढ़िया काम कर दिया। लेकिन सरकार की हम बढ़िया बात जब मानना रहे जब ये शुरू से ठीक रखते रेट इनको 2024 आगे ऊपर तय एक देश एक इलेक्शन की बात करने लग रही है, साथ में विधानसभा के हो सकता है हरियाणा, किसकी के प्लानिंग बना रहे हो, के चर्चा है, कितना के विकास होगा? हमारी तो चल नहीं प्लानिंग, यह है इस ते भगवान गल्ला छुटवा दे मारा, किससे इस मोदी ते ला ले चाहे इस मौजूदा सरकार ते ला ले, मारे तो है नी लोन भरिया जाए तो सिबिल खराब है, लोग करोड़ों करोड़ों रुपये ले जाए उसके माप है, विदेश जाओ चाहे मारला तो है नहीं, हमने तो है नहीं मरे गला छुटेगा और इसका गला छुटता है कोई, हमें तो छिका रखे हमें नहीं छिका रखे 36 बिरादरी इसने ना तो मियाँ बीबी लड़ाई दी, भाई भाई लड़ाई दिए, गांव में कड़ियाँ मजहब का रोला, कड़ियाँ जात का रोला, कड़ियाँ बड़ा छोटे का रोला, नू तो बता दे भाई इसने यू काम समान कर भाई एक काम तो समान कर देंदे, गांव में बैठा हाँ भाई ना भाई देख के राजी होया करता ये विशा काम कर दिया जो इन दुश्मन आपस में। आप नू में बात के मामले की बात कर रहे हो शायद मुझे लग रहा है, सारे नू बना रखे है भ्रष्टाचार बढ़ा दिया नू में, नहीं नू में होया तो इनने करवाया और भी करवाऊंगा इलेक्शन द्वारा देख लियो कड़िया न कड़िया जो नौ नौ में बढ़ा नौ मत मानो, चलो पब्लिक आज कुछ श्याणी हो रही है भाई इन्होंने बढ़ा था नू के नू चुप बैठ गए, याग जो नहीं हो जाती ना नुह नहीं मेरा था याग कड़े पूजनी थी, बड़ी प्लानिंग थी इनकी तो ये प्लान है, ये भी पाछे ये हो रहा था वो दूसरे प्रांत में उसको दबाने के लिए नऊ का कर दिया मणिपुर में, हाँ वो मणिपुर में कितने दिन से वो लुगाई छोरी वाला मामला होया भाई उगाड़ी अंडा एक में मारा पीटी करी कितने कितना बर्बाद हुए है, ज्यादा होगी भी सरकार में, सरकार जो पॉलिसी ले आओ अफसर नहीं उसको उसको इम्प्लीमेंट करते लागू नहीं करते, बेचारे लोग धक्के खाते फिर हैं भाई मेरा काम, आप थाने में चले जाओ थाने में बुरा हाल इतनी रिश्वत बढ़ गई, आप तहसील में चले जाओ रजिस्ट्रियाँ नहीं होती सरेआम पैसे ले जाओ हैं तो लोग तो ये आप बताओ टोकन काट दिया अगला की रजिस्ट्री है 30 लाख रुपये लेके गए किले की कीमत है, ओड़ा जाके कह दे तेरा तो आज नंबर को नहीं भाई कल आना तेरे कागज पूरे नहीं है वो रिश्वत लेने अगले दिन वो 2,000 रुपये पकड़ा दे उसने रजिस्ट्री कलर्क ने वो रजिस्ट्री हो जाए है, ये हाल हो रहे हैं आजकल, यानी कि भ्रष्टाचार बढ़ गया आपका मानना जो अब भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया तो यह महंगाई उसका गल्ला बढ़ गई रिश्वतखोरी बढ़ गई अफसरशाही है ना अफसरशाही सरकार की कोई मानता नहीं, कोई MLA है बेचारा वो भी उसने रिक्वेस्ट कर ले वो भी नहीं मानते MLA की भी तो सरकार में नहीं तो MLA मंत्री की तो खूब चलिया करती भाई काम दाब दे की करवा लेंदे भाई हमारा जायज काम है करवाओ कर देंदे, लेकिन अब तो सिस्टम ऐसा हो गया अफसर अपनी मर्जी से चलावे हैं कोई उसका पैसे दे दे तो अपना काम बन जाता है नहीं तो बैठे रहो। 2024 में क्या दोबारा फूल खिल पाएगा या फिर लहराता हुआ हाथ मिलेगा? हमने तो जी जहाँ भी बैठा गली कूचे में मोहल्ले में चौपाल में किसे आगे जगह करा लेगा भाई कांग्रेस ने लिया और भाई बैठे गए हो मारगड़े ने तो 14 ने मिला कांग्रेस ने लिया अपना पीछा छुड़ाना नहीं तो महंगाई दिया देश कांग्रेस के कोई 5 गांव गिनाओ मतलब जो बेनिफिट दिए हो कांग्रेस ने लगातार 60 साल के आसपास राज किया है 60 साल में तो जी उनती कांग्रेस ने ही देश था है सबे से अब ये जो हमारा चांद बगा नहीं विक्रम लैंड करे हैं जो के लैंडर के है उसका हाँ यू जवाहरलाल नेहरू ने जो नहीं जो विक्रम ताराभाई नाम था उसका उसका नाम तो ये था उस वक्त देश के अंदर कुछ भी नहीं था उसका विरोध कहा था नेहरू का बना भाई भूखा मरा है देश था हमें उड़ा किसी जो है नहीं इसरो बनाओ सो उसने उसके बाद बनाया था अभी ये मोदी का श्रेय ले रहा है। लेकिन 27 सेकंड तो इसरो के वैज्ञानिक बोले और जिसमें से 10 मिनट के आसपास नरेंद्र प्रधानमंत्री खुद बोले बहुत सारे लोग अब क्रेडिट खुद मोदी ले गया लेकिन वो तो वैज्ञानिकों का सलाम करते हैं हमारे देश के वैज्ञानिकों का सारा श्रेय उनको है मोदी को क्या है
नाम ये तो नाम ले हुआ, काम तो वो वैज्ञानिक कर रहे हैं, मैंने तो उनकी देखो या क्या, मैंने ऊपर इसका मोर ला दो, मोदी ने कराया है क्या कराया, जो आज से पहले 70 साल का नाम ले हुए हैं, कितने प्रधानमंत्री आ रही है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी आ रही, बड़ा बुद्धिमान आदमी था, सबका योगदान था, ये सब ने जो है नहीं नकार रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, सबका योगदान था, भारत देश हमारा सब जनता से मिलके सब प्रधानमंत्रियों ने अपना अपना कार्य किया है जी। नारायण दलके में बैठे, नारायण दलके का बड़ा गांव है, एमएलए के थ्रू कितने के काम काज हो, पूरा हल्के की बात करांगे ना कि इस गांव की बात करांगे, कितने एक संतुष्ट हो आने वाला टाइम में दोबारा एमएलए बनेगा या किसी और को देख रहे हो? जे विकास तो हो तो ना तो सरकार बदलने की जरूरत थी, ना यो एमएलए बदलने की जरूरत थी, सब तय डम्मी रहा हमारा हल्का, तो मैं शिशाए गांव का जिक्र नहीं कर रहा, किसी गांव में चले जाओ, सारे बड़े गांव भी हैं, अरे एक तरफा इलेक्शन करके ना एमएलए नो बना दा, चलो वो तो सरिया निकाला था नहीं आपने, किसने आपने सरिया भी उसका जदे लेकर था, उसने कि मैं करया हुंदा तो उसका सरिया क्या गला काटा ना, नो सोचा था भाई इससे तो यू ठीक है, यू उसका भी दादा लिकड़िया, इसने के कर दिया, बहुत सारे लोग है हम गांव-गांव घूमण लग रहे हैं, सामाजिक काम तो बहुत ज्यादा किए थे पिछले विधायक ने, हाँ मन्ने तो है ना, इतनी फसल मरी थी, किसी ने चार आने तो मुआवजा दिया या तो मेरा बता दो ले, हमने तो नुकवा दो भाई, हमने यू में लिया बेचारा ने कदे, हमने तो भगवान तो दे दे तो बेशक नहीं, इनका भरोसा ना तो हमने मिलया ना मिलता दिखता हमने इन पर, इसने सोच के इसके वोट दिए थे, मोदी जी का नाम ही कह दिया है भाई चंद्रयान पर पूछा दिया, मोदी करते बना के लिया था कि और ये सारे देश के उस दिन के साइंटिस्ट लग रहे हैं, हम तो उनका ऊपर सलाम करता है देश, उसमें भी नाम मोदी का केले का नाम बदल दिया, कि कड़िया इसने अपने पार्लियामेंट का बदल दिया, इसने तो नाम चलाने का मतलब हो रहा है, वो कहा करते पहले एक राजा बता कर बुढ़ोले जिक्र बिला भाई चाम के चला दिए, यूँ तो अपने नाम बदलने की पड़ रही है, और नारण दलके में जितने बड़े मतलब लाले जमींदारों गांव हैं, मेन बड़े गांव हैं सारे हैं, लगभग खेती से बिलोंग करते हैं, नौकरियाँ भी कम हैं, उनके हालात को देखते हुए इसमें 2% भी काम नहीं हुआ, ये उसने तो एक बात कह दिया, हमारा विधायक बना रखा है, वोट दे रखे हैं लोगों ने, वो उसने तो कह दिया मेरी चलती को नहीं, बस चलती नहीं तो उरे बैठा भी क्यों से, उसने भी तो किमें निर्णय लेना चाहिए, अग वाली उम्मीद तो वह बन रही है, गोदी वाले छोटे पेट वाली आस पड़ रही है, यानी कि छिक रहे हो आप, छिका रखे हाँ जी, नारायण दलके ने पहली दफा ऐसा तमाशा देखा है, जो आने वाला है वो भी नु कहे मेरी चलती को नहीं सरकार होते हुए भी, जो जीतने वाला है वो भी नुके है मेरी चलती को नहीं, तो चल रहा किसकी है, इसका रुखाली कौन है, जनता यहाँ पूछना चाहे इसका रुखाली तो बता दो कौन है, किसकी चल रहा है, जनता लेट हो गए 4.5 साल का आसपास हो गए, ये पूछना शुरू कर कौन रुखाली है, पहले नहीं आपने कार्रवाई करी, कार्रवाई तो बता दी करिए, कोई सुनवाई है कोई नहीं, कार्रवाई की हाथ में चौधर चली गई, कैप्टन ने तो खैर ले काम तो करे है सार्वजनिक तो हम ये कहेंगे, लेकिन उनका अहंकार मर गया, उनके अंदर अहंकार इतना हो गया कि हम पब्लिक के साथ उन्होंने बात नहीं करी, इस करके पब्लिक के बीच में, अब पब्लिक के बीच में आए जाओ, अब वो जो एक बार जो गुंडी पड़गी ना बीच में उसको सुलझाना बड़ा आसान नहीं है, सबसे बड़ा काम है मंडी को नहीं बनाई, हरियाणा का सबसे बड़ा काम है शिशाए में, ये 80-82 से एक सेंटर है गेहूँ खरीद के अंदर, वो है नो कानो हरियाणा का सबसे बड़े काम है, मंडी को नहीं बनाई, अनाज मंडी ये सार्वजनिक काम गिना लो, पानी अच्छा पानी की व्यवस्था की बात है, ईसा बुरा हाल है, पी के देखो आप भी देखो और भी देख लेंगे, ले लो हमने मांग कर दे सरकार तय नहीं, यह सारी योजना टपगी, भाखड़ा का पानी मांग दे हमने के जुल्म कर रखा था, भाखड़ा पानी कौन दिया, पीने का पानी नहीं गाँव में, पीने का पानी नहीं गाँव में, मंडी नहीं, कोई और मेन सुविधा कोई आग्रह है, लाइट की सुविधा तो गर्मी है मच्छर हुआ है, लाइट की सुविधा तो इन्होंने वो बना रखा, कट लगते मैसेज आवे है पंचकूला से कट गई, ये पंचकूला जाने का ब्योंत को नहीं मारा ना हमने पूछने का कि मैं कट करो कि मैं करो जो आया जे वो सही है, और किस तरह की मतलब शिक्षा तो बात करें, कोई लाइब्रेरी कोई और मतलब किस तरह का काम ना, गाँव में कोई लाइब्रेरी है हूँ मैं किसी के काट करने वाली बात करने लायक जे, इनके हालात ने देखे तो हमें भगवान ने भरोसा था, नहीं तो इतना बड़ा काम होते हुए तो इन्होंने कोई सुध नहीं ली, मारे गांव का एक बालक था ही। उसने ना कुश्ती खातर डेडा के मिर्गी सुधा खाब लग जोड़ ली, इन्होंने ट्रायल को नहीं करवाई, क्या की सरकार विकास है, हाँ विकास काली रामन के लाल विशाल विशाल
चलो नाम वो किसी को चलो सिसाए का था, वो किसी का बच्चा होता, हमने नो माना। अगर कम से कम उस लड़के ने मेहनत करी थी वहाँ ट्रायल तो दिवाते, मारा जीत जाता तो मारा चला जाता। दुष्यंत ने एक साल हो गया घोषणा करी थी, बोला 100 फुट सड़क चौड़ी हो गया लोहारी वाली आसी से खेड़ी तक, लेकिन आज तक उस पर टंकी भी कौन लाई ने, 6 फुट चौड़ी तो गई दूर, वो पहले वाले में इतने खड़े हो रहे हैं लोग सिर लग गए चाचा की। आप तो मंत्री वो मारा और मारा गोती कम तारा गोती तारा भाई है तारा मारा काम, आज लगे उसने एक टाकी नहीं लाई। आप तो ऊँ दुखी हो रहे हो, रेलवे लाइन निकलेगी जल्दी हाँसी तो जींद में मिलेगी। रेलवे लाइन तो निकल ली तो पहले कैप्टन ने कराया था सिस्टम, उससे पहला उस मंत्री ने कराया था, ये घने साल हो गए रेल में बैठ के जाइयो सीधे जींद हाँसी। फिर यह भी पहले की प्लान है ये, इनने तो पढ़ा नया जो पहले जो नहीं। मैं एक बात और जानना चाहूंगा, इलेक्शन लो आते ही मतलब यार रेलवे लाइन का जिक्र बहुत जल्दी आओ बीच में चल। पहले ये हुड्डा साहब का टाइम था ने जो कांग्रेस का, उस टाइम की ये पास हो रही है, ये भी उन्होंने कह दिया हमने निकाल दिया, वो सरे लेन लाग रहा है नानी खसम करे जोता दंड भरा है। इनने तो कह के तो बिगे सरुए भी कर गए कोकड़िया यानी काम करके दिखाया के इब एक जगह कह दे हमने तालाब बनवा दिया वहाँ फलानी जगह करवा दी, प्रेजेंट में जाके नू तो देखो उड़े है कि नहीं तालाब है। इवन ने कह दिया रेलवे लाइन लिकड़ेगी, जद लिकड़ेगी हमें मर लेंगे फिर या लिकड़ दिए फिर। चलो कितने साल का है लास्ट की ओर जाने लग रहे हैं वीडियो के, 2024 में जो भी इलेक्शन हो गए बीजेपी आओगी आम आदमी पार्टी आओगी कांग्रेस आओगी या NLD आओगी या JJP आओगी किसकी सरकार चाहोगे? किसे की आ जियो या बीमारी कट जियो हम तो यह मानना है। फिर भी रुझान भी होगा, रुझान तो देखो ऐसा है पार्टी बराबर में खड़ी है तो वो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है और हाँ और कांग्रेस ही आओगी। कई नुकसान लग रही है आम आदमी पार्टी वाले अब की बार सरकार बनाओगे क्योंकि दिल्ली में भी और पंजाब ऐसा में है चाहे कोई बना लो मारा तो सुझाव यू है भाई राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का ही वजूद रहेगा और ले पब्लिक का है, पब्लिक चाहेगी जो कुछ कर सकती है। लास्ट में सुरजमान जी हम बस यही है बस पार्टी तो इन्हीं में था आजकल दो ही पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है चाहे बीजेपी चाहे वो। हाँ जी हम तो कांग्रेस का रुझान लग गया जी कांग्रेस का हाँ। सारे तीनों कट्ठे बतला रहे बतला रहा कौन जी हम तो गांव की बात हम नहीं कहते हमारा गांव कवा है पब्लिक का रिव्यू है यो कट्ठा हो कभी कौन पीने दो या भी करोगे बतला रहे। हाँ धन्यवाद सबका भाई, फिलहाल सिसाई गांव के अंदर मौजूद थे और पब्लिक रिव्यू लेना था। ये बड़े दुखी थे कि भाई 30 लाख वाली चीज के 70,000 रुपए मिलने लग रहे सरकार की तरफ से जमीन के किले के रेट जो KCC करावे और भी बहुत सारे मुद्दे लेके सिलेंडर के ऊपर भी बात करी 2024 के ऊपर भी बात करी। इनके विचार आप कितने सहमत हो अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दियो। मिलेंगे और किसी नई वीडियो में नई अपडेट में सहयोगी कैमरामैन संजीव के साथ मैं सुशील सियाग सिसाई धन्यवाद।